हेलो पाची एक बार बोली जे बोली थी हाँ बोले मने छोड़ी दे उठा हो हाँ काले टाइम होना हो जिल्लू अब ऐ नहीं मैं कोई भी हूँ देखो क्या मने मने नहीं खबर ये काले मने एमजी में तुम्हारे किए के छोटे इसे विचारूंगी दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर स्टेटस देख रहे थे तो आज हम वही स्टेटस क्रिएट करने वाले हैं। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। ओके फ्रेंड्स, तो उस लाइट मोशन को ओपन करते हैं हम, और वो स्टेटस बनाने के लिए आपको इस ऐप की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है लाइट मोशन। ओके गाइस, तो इसको डाउनलोड करने के लिए आप या तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाए, वहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा, आपका सारा मटेरियल ऊपर पिन किया हुआ मिलेगा, यहाँ पर लाइट मोशन की लिंक मिलेगी, यहाँ से डाउनलोड कर सकते, और फिर से पिन किया हुआ मैसेज आएगा तो उस पर भी क्लिक करना तो सारे एपीके मोड वर्जन मिल जाएंगे बिना वाटर मार्क के, और जो भी है बहुत ही मस्त ऐप है, यहाँ पर सारे मिल जाएंगे आपको ए टू जेड। ओके गाइस, तो चलिए हम उस लाइट मोशन को ओपन करते हैं, और इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। ओके गाइस, तो लाइट मोशन को ओपन करने के बाद हम को इस तरह से इंटरफेस आएगा, और मेरा नेट ऑफ हो रहा है, ऑफ होने के कारण कुछ इस तरह से आ रहा है, तो आपका कुछ अलग आएगा इंटरफेस। ओके गाइस, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहाँ पर आपको दो प्रोजेक्ट की लिंक मिल जाएगी। ओके गाइस, तो वहाँ से आपको दोनों प्रोजेक्ट डाउनलोड करके इस लाइट मोशन में इनपुट कर लेना है, और लाइट मोशन में इनपुट करने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे टेलीग्राम पर पूछ, आप मुझे कमेंट कीजिए या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM करिए, मैं वहाँ पर आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ओके गाइस, तो चलिए हम यहाँ पर लाइट मोशन में प्रोजेक्ट इनपुट करने के बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिखेगा तो यहाँ पर क्लिक कर देना है। ओके गाइस, उसके बाद आपको यहाँ से जो भी बीट मार्क का जो प्रोजेक्ट है कॉल रिकॉर्डिंग वाला, उसको ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से बीट लगी हुई मिल जाएगी। ओके गाइस, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर फोटो ऐड करना है, तो फोटो ऐड करने के लिए नीचे प्लस का आइकन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देना है तो आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पर मीडिया का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से आपको फोल्डर मिल जाएंगे तो यहाँ पर क्लिक करना है, और जिस फोल्डर में भी आपकी फ़ोटो है वहाँ से आपकी फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है गाइस, फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर फ़ोटो पर क्लिक कर देना है, फ़ोटो पर क्लिक करने के बाद इसको फुल स्क्रीन में करना है, तो ऊपर 3 डॉट दिख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर 5वें नंबर पर फिल कंपोजिशन एरिया मिल जाएगा। ओके गाइस, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे तीर का निशान मिल रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ क्लिक करके इसको कट कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, कट करने के बाद सेम प्रोसेस करना है सारी पिक लगाने के लिए, सारी फ़ोटो लगाने के लिए। ओके गाइस, तो ऐसे ही कर लेना है, सारी फ़ोटो लगा लेना है, तो मैं आपको जल्दी जल्दी लगा के बता देता हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए लगा के बता देता हूँ, बट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दो ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। ओके गाइस, और इंस्टाग्राम पर भी अभी तक फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए फ्रेंड्स, वहाँ पर भी मैं न्यू रील्स न्यू पोस्ट डालता रहता हूँ। ओके गाइस, तो चलिए मैं आपको जल्दी से फोटो लगा के बता देता हूँ। सारी फ़ोटो लगा ली है, पूरी फ़ोटो ऐड कर लिया हूँ, तो आप भी ऐसे ही फ़ोटो पूरी ऐड कर लीजिए, उसके बाद आपको बैक चले जाना है, और जो भी मैंने शेक इफेक्ट दिया हूँ
कॉल रिकॉर्डिंग एक इफेक्ट रॉयल शिवराज के नाम से जो भी इफेक्ट दिया हूँ उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर लास्ट में आ जाना है। ओके गाइस, यहाँ पर लास्ट में आने के बाद इस लास्ट लेयर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा तो इफेक्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ क्लिक करके कॉपी पर क्लिक कर देना है। ओके गाइस, कॉपी इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से बैक चले जाना है और बैक जाने के बाद फिर से कॉल रिकॉर्डिंग बीट मार्क बाय रॉयल शिवराज का जो भी बीट मार्क सॉन्ग है उसको प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद नीचे स्क्रॉल कर लेना है और यहाँ पर फर्स्ट की दो फोटो दिख रही है इनको छोड़ देना। ओके गाइस, इनमें कुछ भी नहीं करना है, आपको छोड़ देना। उसके बाद जो भी बड़ी लेंथ की फोटो आ रही है यहाँ पर 1.4 से आ रही है, ड्यूरेशन देख लीजिए। यहाँ से आपको इस फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है और पेस्ट इफेक्ट कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर अगली फोटो पर जाना है, फिर से वही प्रोसेस कर देना है। तो ये आप देख लीजिए कहाँ तक पेस्ट करना है और वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। अगर वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आए, वीडियो बन नहीं रही हो या जो भी प्रॉब्लम आए तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ओके फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पर आपको लगा के बता देता हूँ जल्दी से इफेक्ट, और आप भी ऐसे ही लगा लेना। तो यहाँ पर हमने यहाँ तक लगाया, उसके बाद आगे और देखना है कहाँ तक आ रही है फ़ोटो। तो ये जहाँ तक भी बड़ी लेंथ की फ़ोटो आ रही है वहाँ तक लगा लेना है और आगे की जो फ़ोटो आएगी वो मैं बताऊँगा कौन सी फ़ोटो को छोड़ना है। तो यहाँ तक लगा दिया, फिर ये यहाँ तक आपको लगा लेना है। ड्यूरेशन देख लीजिए आप, ये 11.23 तक है। यहाँ तक लगाने के बाद ये जो भी फोटो आ रही है इनको छोड़ देना है। ओके गाइस, इनको छोड़ने के बाद आपको बैक चले जाना है, फिर से वही कॉल रिकॉर्डिंग इफेक्ट को ओपन करना है और यहाँ से लास्ट में आ जाना है और दूसरे नंबर की जो लेयर है सेकंड नंबर की उस पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से थ्री डॉट पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है। ओके गाइस, इतना करने के बाद आपको फिर से बैक चले जाना है और कॉल रिकॉर्डिंग बीट मार्क को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है और यहाँ पर फर्स्ट की दो फोटो छोड़ने के बाद जो भी बड़ी लेंथ की फोटो में हमने इफेक्ट लगाया उसको छोड़ देना है और उनके बाद जो भी छोटी लेंथ की फोटो आ रही है ये 11.23 से, तो उन फोटो पर क्लिक करना है और इफेक्ट पेस्ट कर देना है। ओके गाइस, तो यहाँ पर जल्दी जल्दी मैं करके बता देता हूँ। तो ये जितनी भी छोटी फोटो आ रही है तो उन पर इफेक्ट पेस्ट कर देना है। कहाँ तक पेस्ट करना है आप अच्छे से देख लीजिए। यहाँ तक पेस्ट करने के बाद फिर से एक बड़ी लेंथ की फोटो आएगी उसको छोड़ देना और फिर से हमको चार फोटो छोटी लेंथ में मिलेगी तो उस पर ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी कर लेना है। वो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही हो तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आपको स्टेटस भी बहुत ही अच्छा बनाते हुए दिखेंगे और यहाँ पर आपको बहुत ही मज़े वाली वीडियो मिलेगी, बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो मिलेगी। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि डेली मैं न्यू वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, इवनिंग में 6 बजे और मॉर्निंग में भी 6 बजे मेरी न्यू वीडियो मिल जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक पेस्ट करने के बाद फिर से आगे जाना है। यहाँ पर 5 फोटो आ रही है तो 5 फोटो पर ही वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। ओके फ्रेंड्स, देख लीजिए, मैं जल्दी से करके बता देता हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमने यहाँ तक कर लिया है। ये ड्यूरेशन देख लीजिए आप, 21.20 तक यहाँ तक आपको इफेक्ट पेस्ट करना है, उसके बाद आपको बैक चले जाना है। ओके गाइस, बैक जाने के बाद फिर से कॉल रिकॉर्डिंग इफेक्ट भाई रोहित शिवराज को ओपन करने के बाद यहाँ से थर्ड नंबर की जो भी लेयर आ रही है, थर्ड नंबर दोनों साइड से देख लीजिए, थर्ड नंबर में जो भी लेयर आ रही है उस पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है और थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको फिर से बैक चले जाना है। ओके गाइस, बैक जाने के बाद आपको आगे जाना है, जो भी हमने फोटो छोड़ी थी 21.20 तक चले जाना है। ओके गाइस, ड्यूरेशन आप देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक 21.20 तक नहीं, यहाँ से हमने जो भी बड़ी लेंथ की फ़ोटो छोड़ी थी आप देख सकते हो। ओके गाइस, यहाँ पर ऊपर स्क्रॉल कीजिए, ये यहाँ से ये बड़ी लेंथ की फ़ोटो हमने एक एक छोड़ दी थी, तो इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है और पेस्ट इफेक्ट कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगी। उसके बाद आगे और जाना है और यहाँ पर भी बड़ी लेंथ की फ़ोटो आ रही, इस पर क्लिक करना है, पेस्ट इफेक्ट कर देना है। फिर से आगे चले जाना है, फिर से यहाँ पर बड़ी लेंथ की फोटो आ रही, इस पर भी पेस्ट इफेक्ट कर देना है।
फिर आगे जाना है फ्रेंड्स और यहाँ पर देख लेना है, यहाँ पर आपको यहाँ यहीं तक पेस्ट करना है, ये यहाँ तक 19.22 तक, उसके बाद ये वाली जो फोटो आ रही इसको छोड़ देना। ओके गाइस, अब हमको बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद फिर से वही कॉल रिकॉर्डिंग इफेक्ट बाई रॉयल शिवराज को ओपन करना है और यहाँ से इधर से सेकंड नंबर की लेयर को सिलेक्ट करना है। ओके गाइस, लास्ट से फोर्थ नंबर की लेयर और इधर फर्स्ट से सेकंड नंबर की, यहाँ पर क्लिक करने के बाद इफेक्ट पर क्लिक करना है और कॉपी इफेक्ट कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, कॉपी इफेक्ट करने के बाद आपको फिर से बैक चले जाना है, कॉल रिकॉर्डिंग को ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपको यहाँ से नीचे स्क्रॉल करके आगे चले जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ तक जाना है आप देख लीजिए, 21 पॉइंट तक चले जाना है। तो मैं जरा जल्दी से करके बता रहा हूँ, यहाँ तक आ जाना है आपको। यहाँ तक आने के बाद फिर से फोटो पर क्लिक कीजिए और इफेक्ट पर क्लिक कीजिए, पेस्ट इफेक्ट कर दीजिए। ओके गाइस, यहाँ से फिर दो फोटो छोड़ना है और अगली बड़ी लेंथ की फोटो आ रही है उस पर ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन वीडियो बहुत ही अच्छी बनेगी, तो वीडियो को कभी भी स्किप करके ना जाए, नहीं तो जो देखा वो भी नहीं आ पाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ तक लगा लिया ये दो फोटो पर, तीन फोटो पर हमने ये वाला इफेक्ट लगा दिया है। उसके बाद आपको फिर से बैक चले जाना है। ओके फ्रेंड्स, बैक जाने के बाद आपको फिर से वही कॉल रिकॉर्डिंग ओपन करना है और फर्स्ट वाला इफेक्ट यहाँ से क्लिक करना है, फर्स्ट वाली लेयर पर, और इफेक्ट पर क्लिक करके कॉपी लेयर कर लेना है, कॉपी इफेक्ट कर लेना है। ओके गाइस, कॉपी इफेक्ट करने के बाद आपको फिर से उसी को बीट मार्क को ओपन करना है, प्रोजेक्ट को, और लास्ट में आ जाना है आपको। ओके गाइस, जो भी फोटो हमने छोड़ी थी 21 पॉइंट तक आने के बाद मैं बताता हूँ, यहाँ तक आ जाना है आपको। ओके फ्रेंड्स, कहाँ गई, यहाँ तक आने के बाद ये फोटो, दो फोटो हमने छोड़ी थी तो इनको सिलेक्ट करना है और पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो ड्यूरेशन देख लीजिए 23.7 तक। ओके गाइस, फिर ये दो दो फोटो पर ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है और वीडियो को पूरी देख लेना, क्योंकि फर्स्ट में भी हमने इफेक्ट छोड़े हैं, वो वाले दो दो फोटो छोड़ी है, तो यहाँ पर भी ये दो फोटो पर ये पेस्ट करना है और फर्स्ट की दो फोटो छोड़ी है उन पर क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। ओके गाइस, यहाँ पर आना है और यहाँ पर भी ये तीन फोटो है तो इन पर भी ये वाला इफेक्ट लगा देना है। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो बहुत ही मस्त बनेगी और फर्स्ट की दो फोटो कैसे करना है मैं बता देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर लास्ट वाली फ़ोटो पर भी ये वाला इफेक्ट लगा देना है। उसके बाद आपको फर्स्ट में आ जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट में आने के बाद आपको दो फोटो मिलेगी जो भी हमने छोड़ दी थी ये वाली, तो फोटो पर क्लिक करना है और यहाँ पर मूव एंड ट्रांसफॉर्म मिल रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये तीसरे नंबर पर ये वाला आइकन मिल रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है, प्लस लगाना है यहाँ पर और एक फ़ोटो के लास्ट में प्लस लगा देना है। ठीक है फ्रेंड्स, प्लस लगाने के बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट में आना है और फोटो को जूम इन कर लेना है, आप जितनी भी जूम कर सकते हो उतनी जूम कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो मैं पूरी जूम करके बता देता हूँ, 5000 तक जूम करके बता देता हूँ, तो आप भी उतनी जूम कर लीजिए 5000 तक, क्योंकि वीडियो बहुत ही मस्त बनेगी। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने 7000 तक जूम कर दिया है। ओके फ्रेंड्स, 7000 तक जूम कर लीजिए, उसके बाद आपको वापस चले जाना है। ओके फ्रेंड्स, फिर सेकंड फोटो पर क्लिक करना है और उस पर भी मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करना है, थर्ड नंबर पर क्लिक करना है और प्लस दे देना फर्स्ट में और लास्ट में भी एक प्लस दे देना। ओके गाइस, फिर फर्स्ट में आने के बाद आपको इसको भी इतनी जूम करना है जितनी फर्स्ट वाली फोटो को जूम किया था। ओके फ्रेंड्स, तो मैं करके बता देता हूँ, इतनी 7000 तक जूम कर लेना है फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही मस्त बनेगी, तो वीडियो को पूरी देख लेना। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसा स्टेटस आपको बनाने में टाइम लगेगा बट बहुत ही अच्छा बनेगा, तो मैं ये 7000 तक कर लिया हूँ। उसके बाद आपकी वीडियो बन के तैयार हो गई है फ्रेंड्स, बहुत टाइम लगा बट बहुत ही अच्छा बना। उसके बाद यहाँ पर ऊपर ये वाला आइकन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करना है और वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।